टीएमटी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टीएमटी न्यूज 24। हजारों लोगों ने सेना के जवान सुरेश को दी अंतिम विदाई। डेंगू से दिल्ली के अस्पताल में हुई मृत्यु। रामटेक तुमसर। डेंगू से ग्रस्त भारतीय सेना के जवान सुरेश मसर के 31 वर्ष की नई दिल्ली के सैनिक अस्पताल में मृत्यु होने के बाद उनका पार्थिव गुरुवार को सुबह 8 बजे विशेष विमान से नागपुर और बाद में देवाड़ी लाया गया। हजारों की संख्या में लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। देवाड़ी गांव उनके सम्मान में बंद रहा। माडगी घाट पर शाम 6 बजे पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। शहीद जवान सुरेश के पार्थिव को रामटेक मार्ग से देवाड़ी लाते समय जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रामटेक में लंबे हनुमान मंदिर के पास बड़ी संख्या में नागरिकों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके पार्थिव को देखकर माता, पिता, भाई और दो बहनें चित्कार कर उठी। सुरेश का 2 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था। उनकी पत्नी नेहा को पति का पार्थिव देखकर चक्कर आ गया। सुरेश 15 दिन की छुट्टी पर घर आए थे और 19 जुलाई को वापस दिल्ली गए थे। खेतीबाड़ी में उन्हें विशेष रुचि थी। उनकी मां ने बताया कि सुरेश ने दिल्ली जाने के बाद यूनिट के 10 जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया था। उसी दौरान सुरेश को भी डेंगू हो गया और उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। आज उनका पार्थिव लाने के बाद विधायक राजू कारामोरे, पूर्व सांसद शिशुपाल पटले, सरपंच संजय लिल्लारे समेत अनेक लोगों ने उनके घर पहुँचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।